मुस्लिम समाज का पवित्र त्यौहार ईद उल जुहा प्रदेश भर में पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहर में बड़ी ईदगाह में विशेष नमाज अदा की गई। इसके अलावा राजधानी के तकरीबन 51 मस्जिदों पर अलग अलग समय पर नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले लगकर मुस्लिम भाइयों ने ईद की बधाई दी और देश में अमन चैन की दुआ भी मांगी। इस दिन को कुर्बानी के रूप में मनाया जाता है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल जुहा पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये राजधानी रायपुर का बड़ी ईदगाह भाटा है, जहाँ पर अभी अभी बकरीद के मौके पर विशेष नमाज अदा की गई है। यहाँ पर जो नमाज अदा करने के बाद जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दे रहे हैं ईद उल जुहा की। और कुर्बानी के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है। काफ़ी पवित्र त्यौहार है, लोग बात करते हैं आप लोगों का, काफ़ी पवित्र त्यौहार है कुर्बानी का दिन, इसे माना जाता है। ये कुर्बानी का दिन है ईद उल जुहा, इसमें आज जो बकरीद का त्यौहार भी मनाया जाता है। ईद उल जुहा मानव शांति के लिए दुआ की गई है हिंदुस्तान में, और काफ़ी अच्छा पवित्र त्यौहार है हमारा। में एक मान्यता है कि जो तीन गोश्त किए जाते हैं, दो जो आम पब्लिक है वो उसमें बांटा जाता है। ये बकरीद में जो है हमारे कुर्बानी देने के बाद तीन हिस्सा किया जाता है। एक हिस्सा घर पे रखा जाता है, एक हिस्सा रिश्तेदारों को, एक हिस्सा गरीब बेसारा यतीम लोगों को दिया जाता है। इसलिए नमाज अदा करने के बाद अब क्या आगे आप लोग घर जाते? नमाज अदा करने के बाद हम लोग ये कुर्बानी का जो रिवाज है वो घर जाकर अपन कुर्बानी देंगे बकरे की, और उसके बाद खुशियां मनाएंगे आपस में गले लगकर, एक दूसरे को बधाई देकर, और आपस में रिश्तेदारों से मिलजुल कर खुशियां मनाई जाती है। इस पवित्र त्यौहार को बड़े धूमधाम से जो मुस्लिम भाई हैं वो एक दूसरे से गले मिलकर यहाँ पर बधाई दे रहे हैं। और अभी अभी यहाँ पर विशेष नमाज अदा की गई है, इसके बाद घरों में जाकर कुर्बानी दी जाएगी। कुर्बानी का तीन गोश्त किया जाएगा, एक अपने घर परिवार में और दो समाज के लोगों को बांटा जाता है। ऐसा परंपरा मुस्लिम समाज के भाई मानते हैं। तो यहाँ पर बड़े धूमधाम से ईद उल जुहा का त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल के लोग, चाहे राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, उन्होंने भी इस पवित्र त्यौहार के लिए बधाई मुस्लिम समाज सहित प्रदेशवासियों को दी है। कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।